देश में चुनावी रण सज चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अकेली बीजेपी है और दूसरी तरफ विपक्ष के 28 दल। हालांकि ये दल विधानसभा चुनाव में भी साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच एक खबर ऐसी सामने आई है जिसने राजनीति की सारी चर्चाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। खबर उत्तर प्रदेश से थी और मायावती से जुड़ी थी, जो कि आजकल राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक है। खबर ऐसी प्रचारित की गई कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं, लेकिन मायावती ने इस खबर का खंडन करने के साथ ही ऐसे लोगों को भी उधेड़ दिया जो ऐसा एजेंडा चला रहे थे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, वो हर तिकड़म लगा चुके हैं कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो किसी के भी साथ नहीं जाएंगी, न इंडिया गठबंधन के साथ और न ही NDA के साथ। लेकिन अभी खबर प्रचारित की गई है कि रामगोपाल यादव मायावती से मुलाकात करने पहुंचे थे और मायावती अब गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन मायावती को ये बात बुरी लग गई और वो एक्स पर आई और उन्होंने अपना बयान दिया। मायावती ने लिखा, सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से BSP के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद व फेक न्यूज है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुला है? कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं है? मतलब साफ है, मायावती का संकेत साफ है कि वो किसी भी सूरत में इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली। मायावती ने आगे लिखा, मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों का सपा व उनके नेता द्वारा खंडन नहीं करना ये साबित नहीं करता कि उस पार्टी की हालत यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है, और वो भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा है जो BSP के खिलाफ लगातार सक्रिय है। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोग सावधान रहें। मायावती के एक ट्वीट ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस दौर से गुजर रही है, उसकी हालत क्या है। मायावती के ट्वीट से पता चलता है कि वो इस बात से आहत हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई या फिर ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो फिर समाजवादी पार्टी ने इस खबर का खंडन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसी खबरें प्रचारित होने दी गई। अब इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए कि क्यों समाजवादी पार्टी या फिर पूरा गठबंधन इस बात के पीछे पड़ा है। मायावती का वोट होगा ट्रांसफर। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसा मिथक है कि बसपा के साथ गठबंधन किया जाए तो दूसरी पार्टियों को बसपा का वोट ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि ये एक मिथक है, इसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं इसे मिथक क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको आगे समझाऊंगा। एक उदाहरण से समझिए, बसपा ने आज तक 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और कुल मिलाकर 3 बार उसने गठबंधन किया है। एक बार 1996 में कांग्रेस के साथ किया था। पहला गठबंधन 1993 में किया गया था, जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम की लोकप्रियता अपने चरम पर हुआ करती थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ था। मुलायम सिंह के वक्त राजनीति में, उस वक्त मुलायम सिंह 2019 में राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ा था मैनपुरी से और वो जीते भी थे, लेकिन उनकी जो सहभागिता थी पार्टी के फैसलों में वो बहुत ज्यादा नहीं थी, और दोनों ही चुनावों के नतीजे गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे। देखिए, अखिलेश की राजनीति इस वक्त हाशिए पर चल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा के लिए वो गठबंधन में तो आ गए, लेकिन वो जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए दोनों दलों का सारा फोकस विधानसभा चुनाव पर है और उसमें अभी बहुत ज्यादा वक्त है। मतलब जो 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, दोनों ही दल, सपा हो या फिर बसपा, दोनों ही उसी की तैयारियों में लगी है। इस बात को ऐसे समझिए कि 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन टूटने के बाद भी अखिलेश यादव ने मायावती के खिलाफ कोई कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई तीखा बयान मायावती के लिए नहीं दिया गया। और आज भी जैसी खबर है कि रामगोपाल यादव मायावती से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो सोचिए, जिस मायावती ने खुद गठबंधन से किनारा कर लिया था, वही सपा अब फिर से बसपा से गठबंधन करने की जुगत लगा रही है। सपा की राजनीतिक हालात क्या हो गए हैं वो इससे समझे जा सकते हैं। अखिलेश मायावती के साथ गठबंधन करना क्यों चाहते हैं, अब वो भी समझ लीजिए। यादवों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि सपा अक्सर MY समीकरण पर ही चुनाव लड़ती हुई आई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने भर भर कर अखिलेश यादव को वोट दिया था, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। जीत दर्ज तो बहुत दूर की बात है, जीत के आसपास भी समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई थी। तो वोटर के दिमाग में भी ये बात क्यों ना आए कि आखिर वो समाजवादी पार्टी को
कब तक वोट दें, क्योंकि अखिलेश यादव अब तक जिनमें उनकी सहभागिता बहुत ज्यादा रही है ऐसे चार चुनाव वो हार चुके हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का फिर से विधानसभा चुनाव, तो वोटर कब तक वोट देगा समाजवादी पार्टी को, इस बात को अखिलेश यादव भी अब समझ चुके हैं। और यही वजह भी है कि तीसरी बार फिर से मायावती के साथ वो जुगत लगाने की सोच रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में सपा के ऊपर एक और दबाव भी है और वो ये है कि मुस्लिम वोटर इस बार कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है, क्योंकि हो सकता है कि चार पांच बार मुस्लिम वोटर जो है अखिलेश यादव को वोट देकर थक गया हो। तो यूपी में सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी के पास है तो वो है समाजवादी पार्टी। अब आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। अखिलेश से पहले जब काशीराम और मुलायम सिंह का गठबंधन हुआ था उस वक्त समीकरण बन रहे थे पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। ये ऐसा समीकरण था जो जीत को पुख्ता करता था, मतलब जीत की गारंटी देता था। लेकिन ये गठबंधन जीत नहीं सका, सीट मिली थी मात्र 176। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और उत्तराखंड भी इसी में था और यूपी में विधानसभा सीट हुआ करती थी 425, जबकि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसने 177 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब गठबंधन से एक सीट ज्यादा। लेकिन कांग्रेस और जनता दल के साथ मिलकर सपा और बसपा की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 1996 में ये सरकार गिर गई। उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फिर से दोबारा चुनाव करवाया गया और फिर से जब चुनाव लड़ा गया तो सपा और बसपा दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी। बसपा को उतनी ही सीटें मिली थी जितनी गठबंधन में रहते मिली थी और सपा को एक सीट ज्यादा मिली थी, मतलब सपा को 1993 में 109 सीटें मिली थी और 1996 के चुनाव में 110 सीट मिली थी, जबकि बसपा को पहले 1993 भी 67 सीटें मिली थी और अलग होने के बाद 1996 में भी 67 सीटें ही मिली थी। इसी साल में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस को भी कोई खास फायदा मायावती के साथ गठबंधन में जाने से नहीं हुआ। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बसपा का वोट किसी भी गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता और ये सिर्फ एक मिथक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 2019 के गठबंधन को भी समझ लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, दोनों के बारे में खूब प्रचार भी किया गया और उस वक्त भी सपा को 5 सीटें ही मिली थी। लेकिन मायावती का ग्राफ देखिए, 2014 के चुनाव में मायावती का खाता बिल्कुल खाली था, लेकिन सपा से गठबंधन के बाद 2019 में उन्हें 10 सीटें मिली। तो इससे तस्वीर साफ हो जाती है कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर होता है, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं होता। सपा की हालत समझी जा सकती है। सपा एक बार फिर से मायावती के साथ गठबंधन अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए करना चाहती है। इसी बात से अखिलेश ने पार्टी की हालत, अखिलेश की पार्टी की हालत क्या है वो समझी जा सकती है। मजे की बात तो देखिए, वो ये है कि 2019 में इस गठबंधन से मायावती ने ही खुद किनारा किया था, वो भी ये कहकर कि समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि 2014 में मायावती को 0 सीट मिली थी और 2019 में गठबंधन के बाद 10 सीटें मिली थी। फिर भी मायावती ने सपा पर आरोप लगाया था कि सपा का वोट ट्रांसफर बसपा को नहीं हुआ और फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अब सपा फिर से बसपा के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। तो अंदाजा लगाइए कि सपा यूपी में कहां खड़ी है, लेकिन तेवर ऐसे हैं जैसे बीजेपी का सूपड़ा ही साफ कर देंगे। हालांकि होता क्या है वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भी मायावती को रिझाने में इस चुनाव के लिए जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस में यूपी में अपना कांग्रेस राजनीतिक वजूद तलाश कर रही है और मायावती को रिझाने में लगी है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी। भले ही 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अपनी डूबती हुई कश्ती को थोड़ा सा संभाला भी था, लेकिन वो करीबी राहुल गांधी के ही बताए जाते हैं, क्योंकि रालोद और कांग्रेस का एक और राज्य में भी गठबंधन है। पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें फैली थी कि जयंत अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, वजह थी निकाय चुनाव में टिकटों का बंटवारा और इस नाराजगी के चलते ही खबर सामने आई थी कि जयंत राहुल के हाथ के साथ अपना नल लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई। लेकिन अब एक बार फिर से खबरें अखिलेश के लिए सिरदर्दी पैदा करने वाली हैं, क्योंकि जयंत
साथी तो भले ही अखिलेश यादव के हैं लेकिन काम वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, ऐसी यूपी की राजनीति में खबरें तैर रही हैं। लेकिन अभी तक तो मायावती अखिलेश के पीडीए गठबंधन मतलब पिछड़ा दलित और आदिवासी गठबंधन और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर पलीता लगाने का काम करती आई है, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी के भी साथ नहीं जाएंगी, भले ही वो 28 दलों वाला इंडिया गठबंधन हो या फिर 38 दलों वाला एनडीए गठबंधन। और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लताड़ भी लगाई है और वो भी बेहद ही गंदे तरीके से। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लताड़ के बाद भी अखिलेश यादव मायावती को साथ लाने की कोशिश करते हैं या फिर वो अखिलेश या फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में जाने की हिम्मत करते हैं। आप इस पूरे मामलात पर, इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।